हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ा। जितना ये देखने में शाही लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट और टेस्टी है, और इसको बनाना भी बहुत ही आसान और सिंपल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 व्हाइट ब्रेड लिया, आप ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा केसर है, और ये 10 से 12 मैंने बादाम के पीसेस लिए हैं, और ये 3 चम्मच मैंने चीनी के लिए हैं, और ये 8-10 पिस्ता है, और ये मैंने 8 से 10 ही काजू के पीस लिए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रेड को इस तरह से सेंटर से काट लेंगे, और ट्रायंगल की शेप में मैंने इसको काटा है। आप चाहे तो कोई भी शेप इसको दे सकते हैं, आप चाहे तो इसके एजेस भी काट सकते हैं, बट मैंने एजेस को नहीं काटा है। क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम शाही टुकड़ा के लिए रबड़ी तैयार कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध फुल क्रीम लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कढ़ाई में इस तरह से डाल लेंगे, और इसको हम तब तक उबालेंगे जब तक ये थोड़ा थिक नहीं हो जाता, और बीच बीच में क्या करते रहेंगे, हम इसको चलाते रहेंगे, जो जो मलाई इसके ऊपर आती रहेगी उसको हम साइड में स्क्रैच करते रहेंगे। इस तरह से चलाते हुए इसको पका लेते हैं। चलिए इसको पकने देते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैंने थोड़ा सा दूध गुनगुना लिया था, 2 चम्मच लिए थे, उसमें मैंने 6 से 7 पत्तियाँ केसर की डाल के अब मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। आप देख सकते हैं दूध भी थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। उबालते समय इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि दूध को हमें बीच बीच में चलाते रहना, नहीं तो दूध तले में चिपक भी सकता है। दूसरी साइड हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, उसमें हम जो ये अपने ब्रेड हमने ट्रायंगल शेप में काटे हुए थे उसको डीप फ्राई कर लेते हैं, देखिए इस तरह से। और जो गैस का फ्लेम है वो हम थोड़ा सा मीडियम रखेंगे, उसको हाई बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो ये बिल्कुल तुरंत ही जल जाते हैं। तो इस तरह से उलट पलट करके हम इसको भी क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है इस तरह से, अभी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से सारे मैंने ब्रेड को डीप फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिया है। दूसरी तरफ हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। हम एक पैन लेंगे, पैन में मैंने इस तरह से चीनी को डाल दिया है। फिर उसमें हम क्या करेंगे, 1/2 कप पानी को भी इस तरह से ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड, सिरप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बस चीनी को डिसॉल्व होने देंगे, उसके बाद में 3 मिनट के लिए कम गैस करके इसको अच्छी तरह से कुक होने दूँगी। बस एक तार की चाशनी चाहिए होगी इसके लिए हमें, ज़्यादा इसको हमें कुक नहीं करना है। तो देखिए ये बिल्कुल डिसॉल्व हो चुकी है चीनी इसके अंदर। दूसरी तरफ मैं रबड़ी को भी चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं रबड़ी किस तरह से थिक हो रही है, और इसको क्या किया मैंने, बीच में काफ़ी बार चलाया भी है। अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो स्टेज में आप चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने चीनी इसमें नहीं ऐड की है, इसको बिना चीनी के ही बनाया है। तो आप देख सकते हैं हमारी रबड़ी का टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आया है। अब हम क्या करेंगे, मैंने कुछ नट्स लिए थे उसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है, फिर हम इसके अंदर उसको ऐड कर देंगे इस तरह से। फिर इसको भी हम चलाते हुए इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी रबड़ी तो बनके तैयार हो चुकी है। अब क्या करेंगे हम, दूसरी तरफ ये जो सिरप था फ्रेंड मेरा ठंडा हो चुका है, अब मैंने इसको दोबारा से गुनगुना कर लिया है। इसके अंदर हम ब्रेड की स्लाइस को इस तरह से डिप कर देंगे। तो इसको हमें ज़्यादा डिप नहीं करना है, सिर्फ 10 से 15 सेकेंड के लिए इसको हम डिप करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर हम इसके अंदर इसको रहने देंगे फिर क्या होगा कि हमारे जो ब्रेड है वो ज़्यादा सॉगी हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरह से पलट के भी मैंने इसको इस तरह से सिरप में डाल दिया है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ब्रेड के स्लाइस को इस तरह से रख लिया है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, रबड़ी को इस तरह से लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम इसको डाल देंगे। तो जो फ्रेंड रबड़ी का जो टेक्सचर है वो अपने अकॉर्डिंग आप पतला या उसको गाढ़ा भी कर सकते हैं, बट हमें थोड़ी इस तरह की अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा थिक रखा है। आप चाहे तो इसको पतला भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए रबड़ी को मैंने इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया है। फिर ऊपर से मैंने इसमें कटे हुए नट्स भी इस तरह से डाल दिए हैं। फिर लास्ट में थोड़ी सी केसर की पत्तियाँ भी इसके ऊपर इस तरह से डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी रबड़ी में केसर डाला हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, हमारा शाही टुकड़ा बनके रेडी है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है। आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें। आप मुझे बताएं कमेंट करके कि आपका शाही टुकड़ा कैसे बना। और फ्रेंड, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।